हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक जॉब नोटिफिकेशन या फिर जो वीडियो लेक्चर्स हैं सिलेबस से रिलेटेड उनकी जो नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, जो साइबेरियन आइबेक्स है ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ये एक लार्ज, काफ़ी बड़ी और हैवी टाइप की गोट्स की कैटेगरी है। जो बकरी होती है, गोट्स होती हैं, उसकी एक कैटेगरी है। जो ये साइबेरियन आइबेक्स होता है, ये एक स्पीसीज है विल्ड गोट की, जो एक जंगली गोट की स्पीसीज है। इनका दूसरा नाम अल्ताई आइबेक्स या फिर गोबी आइबेक्स भी है और ये सेंट्रल एशिया के रीजन में रहती है। और ये मेनली जो एनिमल है ये हर्बीवोरस, जो श्रब्स, बुशेज और ग्रासेज, जो कि सिर्फ ट्रीज वगैरह को खाते हैं, वृक्षों को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्वदेशी? स्वदेशी क्या है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो चीज़ इंडिया में बनी हो और जो मटेरियल जिससे ये बनी होती है वो भी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया हो, उस चीज़ को हम स्वदेशी बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। ओके, जो स्वदेशी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो है, जो इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, वो 1905 से 1911 से 11 के बीच चला था। और इसमें जो इंडिया के लोग थे उन्होंने नॉन कोऑपरेट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनका साथ नहीं दिया। जो उनके स्कूल थे वहाँ पर उनका बहिष्कार किया लोगों ने, और जो उनके द्वारा जो गुड्स हैं, जो चीज़ें उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती थी इंडिया में, उनका बहिष्कार किया। जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियां थी उनका भी बहिष्कार किया, और जो इंडिया में चीज़ें, इंडिया की जो चीज़ें पैदा होती थी और उनको इंडियन कंपनी या इंडियन लोग बनाते थे, उनका उन्होंने बढ़ावा दिया इन चीज़ों को। तो ये स्वदेशी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ होती है? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे जो लॉस्ट हो जाते हैं। देखिए, जो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है जो या तो ऑक्सीजन है उसको गेन करता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन, इन दोनों को लूज करता है। ओके, एक रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन, उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और हाइड्रोजन भी लूज करता है और ऑक्सीजन का गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया जो मसाई मारा नाम का नेशनल रिजर्व है वो कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केनिया। मसाई मारा नेशनल रिजर्व केनिया में स्थित है। ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है केनिया का, जो कि तंजानियन बॉर्डर के साथ में जो पार्ट है उसमें ये लोकेटेड है। और जो मेन एनिमल्स हैं इस रिजर्व में वो है लॉयंस, चीता, एलिफेंट्स, जेबराज और हिपोज। जो केनिया है उसकी कैपिटल जानते हैं वो नैरोबी है। जो माली कंट्री है इसकी कैपिटल बामाको है, BAMAKO। और जो गैबोन कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले। और जाम्बिया की कैपिटल याद रखेंगे लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया जो सेपाक ताकरा है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा जो आंसर है ऑप्शन सी, किक वॉलीबॉल। ये एक गेम है जिसमें वॉलीबॉल को किक किया जाता है। ओके, जो ये गेम है इसमें जो फुट वॉलीबॉल भी गेम बोलते हैं इसको, फुट वॉलीबॉल गेम, जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो जो बॉल को टच करते हैं या फिर हैंडल करते हैं वो फुट से करते हैं, अपने जो पैरों से हैं उनसे वॉलीबॉल को कंट्रोल करते हैं। और जो ये गेम खेला जाता है मेनली साउथ ईस्ट के जो एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया के, उनमें खेला जाता है। और इसका जो ओरिजिन हुआ, जो ये गेम है सेपाक ताकरा का, इसका ओरिजिन मलेशिया में लगभग 500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया है
जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयवर्धने पुरा कोटे। देखिए आप कोलंबो से कंफ्यूज मत होना, अगर जयवर्धने पुरा कोटे ऑप्शन में दिया तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयवर्धने पुरा कोटे। हाँ अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो कोलंबो को टिक कर सकते हैं आप। और जो करंट प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनका नाम है गोताबाया राजपक्षा। और जो करंट में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, उनका नाम है महिंदा राजपक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो किन्होंने कंपोज की, इनका संकलन किन्होंने किया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा ये कहानियाँ लिखी गई। जो ओरिजिनली ये कहानियाँ लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके अंडर में 5 बुक्स हैं और 84 स्टोरीज हैं यहाँ पर, ओके 84 स्टोरीज हैं। जो पंचतंत्रा के अंडर में 5 तंत्र हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले है मित्रा भेदा, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ फ्रेंड। फिर है मित्रा लाभा, गेनिंग ऑफ फ्रेंड। फिर है सुहृद भेदा, जिसमें होता है कोजिंग डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड, फ्रेंड के बीच में कलह होना, झगड़ा होना। विग्रह है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, तंत्र है उसका मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना फ्रेंड्स का। और फिर है संधि, यूनियन होना उनका, इकट्ठा होना। तो ये सब पंचतंत्र के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जो 1998 में पोखरण में इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया उसका कोड नेम क्या था, जो ये ऑपरेशन था उसका कोड नेम क्या था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति ये इसका कोड नेम था, जो ये मिशन था इंडिया का। देखिए इस मिशन में क्या हुआ था, ये 1998 में किया गया और इसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए इंडिया के द्वारा, लगातार इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये इंडिया के द्वारा जो सेकंड टाइम किए गए न्यूक्लियर टेस्ट, इससे पहले 1974 में जो कोड नेम था, जो मिशन था उसका स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था, ओके। और जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ये US का एक ऑपरेशन है जिसमें 1991 में किया गया ये ऑपरेशन। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो इराकी आर्मीज को कुवैत से निकालने के लिए अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया जो एंजोली इला मेनन जी हैं वो कौन है, ओके। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन फीमेल आर्टिस्ट। ये इंडिया की एक फीमेल आर्टिस्ट है। देखिए ये एक लीडिंग जो कंटेम्प्रेरी जो आधुनिक वर्ल्ड है उसकी आर्टिस्ट है। इनका जन्म 1940 में बंगाल में हुआ और 2006 में इनका एक वर्क था यात्रा नाम से, उसको जो है एशियन आर्ट म्यूजियम है जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में, उसने एक्वायर किया था। और जो इनको एंजोली इला मेनन जी को 2000 में जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इनको 2013 में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, उसकी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो एक कंटेम्प्रेरी पेंटर है, ऐसे कौन से पेंटर हैं जिन्होंने जो महात्मा गांधी की पेंटिंग्स पे एक सीरीज बनाई, ओके। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल डोलिया, ओके। जो अतुल डोलिया जी हैं वो एक इंडियन आर्टिस्ट हैं, मुंबई बेस्ड इंडियन आर्टिस्ट, ओके। इनका जन्म 1959 में मुंबई में हुआ था। और इन्होंने जो 1999 में जो अतुल डोलिया हैं, इन्होंने एक पूरी इंटायर इनका एग्जीबिशन था, शो था, जिन्होंने इनको महात्मा गांधी को डेडिकेट किया था। और इसका टाइटल जो इन्होंने रखा एग्जीबिशन का, उसका नाम था एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। और इन्होंने इस जो एग्जीबिशन था इसमें जो गांधी जी का लाइफ थी पूरी और उनका जो कंसेप्चुअल आर्ट मूवमेंट थे उनको शो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो सत्यमेव जयते हैं इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है इसका? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रुथ अलोन ट्रिप्स, के सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और जो ये वर्ड है, ये मोटो है, एक स्लोगन है, ये जो लिया गया है ये मुंडका उपनिषद से, याद रखेंगे क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम्स में बार बार, मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। और 26 जनवरी जो इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको नेशनल मोटो ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसको जो नेशनल एम्बल है, हमारा एम्बलम है, जो नेशनल जो राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह बोलते हैं जिसको हिंदी में, उस पर इसको इंस्क्राइब किया गया, उस पर इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो माले है वो किस देश की कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है? तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी, मालदीव की कैपिटल है माले। और जो मॉरिशस है इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। जो लक्षद्वीप है इसकी कैपिटल है कावरती। और मलेशिया की कैपिटल है कुआला लंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अगर H2O का मीनिंग हाइड्रोजन है तो KOH का क्या होगा,
तो यहाँ पर हमारा देखिए जो H2O है, इसको वाटर वाटर का ये केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें जो पहला एलिमेंट है उसको दिखाया गया हाइड्रोजन। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा K, वो होगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन जो सी है, पोटाशियम। ओके, देखिए जो KOH है इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बेस है जिसको हिंदी में अक्सार बोलते हैं। इसकी काफ़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। ये मेनली यूज होता है जो पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम फॉस्फेट और लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर पोटाशियम सोप्स या डिटर्जेंट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में होता है ये यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, यानी फ़ारेनहाइट स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। देखिए जो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन, वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 38। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का डिग्री सेल्सियस में। और अगर डिग्री सेल्सियस को हम इधर लेके आते हैं तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये हो जाएगा 5/9 इंटू जो ब्रैकेट में होल है F-32। ओके, तो ये रिलेशन है। जो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला जाता है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 212, यानी 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, और उसमें उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, जो हार्ट बीट करने का रेट होता है अडल्ट में, वो कितने बीट्स पर मिनट होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 to 100, 60 से जो 100 बीट्स पर मिनट के बीच होना चाहिए जो नॉर्मल रेस्टिंग रेट है, हार्ट रेट है। ओके, जो जनरली होता है ये कम होना चाहिए। जो अगर लोअर हार्ट रेट होता है रेस्ट के टाइम पे, तो उसका मतलब होता है जो हार्ट है वो काफ़ी इफिशियंटली फंक्शन कर रहा है, और जो बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है जो भी जिसका ये हार्ट रेट है। और जो फॉर एग्जांपल जैसे एक जो वेल ट्रेंड एथलीट होता है उसका जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो लगभग 40 के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है। पूछा गया है जो पहली वुमेन कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जिन्होंने उसकी चोटी पर चढ़ी थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जुंको तबेई। जो जुंको तबेई जी है वो सबसे पहली वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी जिन्होंने, और उन्होंने जो ये चढ़ाई की थी वो 1975 में की थी, 1975 में, और ये एक जापानीज जो जापान की माउंटेन क्लाइंबर है। और जो सबसे पहले मैन थे जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़े थे उनका नाम है एडमंड हिलेरी, जो 1953 में चढ़े थे। सबसे पहले इंडियन मैन है अवतार सिंह चीमा, और जो सबसे पहले इंडियन वुमेन है वो है बचेंद्री पाल। नेक्स्ट पूछा गया जो मकर संक्रांति है ये क्या चीज़ है, क्या है। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये क्वेश्चन है जो ये कॉन्ट्राडिक्टेड क्वेश्चन है, जब ये RRB जो NTPC का एग्जाम है उसमें पूछा गया था, तो इसके दोनों आंसर दिए गए हैं। जो दोनों आंसर हैं इसके ऑप्शन बी, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड काइट फेस्टिवल, ये दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। और इसको जो एग्ज़ाम है उस टाइम पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, सभी कैंडिडेट्स को इसके मार्क्स दिए गए थे, तो इसके दोनों ऑप्शन है। अब मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है ये जो मेन जो लॉर्ड सूर्या है उसको डेडिकेटेड है, और जनरली ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें जो विंटर का सीजन होता है उसकी समाप्ति को दिखाता है ये, और जो नया जो हार्वेस्ट है फसलों की कटाई का जो सीजन है उसकी बिगिनिंग को, स्टार्टिंग को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा असम। जो असम स्टेट है उसमें ये तीनों नेशनल पार्क हैं। जो ओरांग नेशनल पार्क है इसका जो दूसरा नाम है वो है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, और इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो नामेरी नेशनल पार्क है ये एक जो रिवर जिया भोरोली है वो इसको डिवाइड करती है, यानी ये इसके अंदर से बहती है, और ये 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का कवर करता है। जो डिब्रू सैखोवा नाम का नेशनल पार्क है इसको, ये एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके साउथ बैंक पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO है उसमें लास्ट टाइम ऐड किया गया, यानी सबसे लास्ट जो कंट्री ऐड किया गया वो कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। देखिए जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें टोटल करंटली 164 मेंबर्स हैं और 24 इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। जो 164वां मेंबर ऐड किया गया वो 2016 में अफगानिस्तान को ऐड किया गया और जो 163वां 163rd जो मेंबर है वो 2016 में ही ऐड किया जो गया जो था लाइबेरिया कंट्री। ये जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इससे पहले इसका जो नाम था वो था GATT GATT जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को ये मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे जो इंडिया में। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ था मनाना ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसको जो डॉक्टर BC रॉय है विधान चंद्रा रॉय उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई, यानी 1 जुलाई को ही उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों 1 जुलाई को होती हैं। और ये जो BC रॉय जी हैं ये जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के सेकंड CM रहे हैं, सेकंड चीफ मिनिस्टर। जो 2020 का जो ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया उसका जो थीम था वो था लेसन द मोर्टलिटी ऑफ COVID-19, जो COVID-19 की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनको कम करना। तो फ्रेंड्स हमारे आज के जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।